बायर का रजिस्ट्रेशन है ना। बायर में रजिस्ट्रेशन जैसे कि सेलर में देखा था वैसा ही सेम होता है। प्राइमरी यूजर बनेगा यहाँ पे और एक सेकेंडरी यूजर, है ना। पहला होगा प्राइमरी यूजर और दूसरा बनेगा सेकेंडरी यूजर, सेकेंडरी यूजर। ऐसे दो यूजर यहाँ पे भी बनेंगे, पहला है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेलर में क्या था, सेकेंडरी यूजर मैंडेटरी नहीं, पर बायर में ऐसा, बायर में सेकेंडरी यूजर बनाना ही पड़ेगा। अभी बायर के पहले रोल्स के बारे में बात करते हैं। ये हो गया, बायर में तीन रोल्स आपको देने पड़ते हैं, देने ही पड़ेंगे। एक तो आपका हो गया बायर, तीन रोल क्या करेगा, बायर, कंसाइनी और तीसरा होगा पेमेंट ऑथोरिटी। ये तीन रोल बायर में आपको देना ही पड़ेगा, बायर में ये तीन रोल आपको देना पड़ेगा। सर ये पीएडी क्या है, पीएडी है पेमेंट ऑथोरिटी, पीएओ पेमेंट ऑथोरिटी। बायर क्या करता है, अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे डायरेक्ट परचेज किए, एल वन किए, ये कौन कर सकता है, सिर्फ बायर ही कर सकता है। बायर को कोई भी चीज परचेज करने का ऑथोरिटी, आपको यदि कंसाइनिंग आईडी मिल गया तो आप कोई भी चीज उनके आईडी से परचेज नहीं कर सकते, उनके आईडी से परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। हर एक को अपना अपना काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। बायर ही कोई चीज परचेज कर सकता है, टेंडर निकाल सकता है, एल वन कर सकता है, डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, ये काम बायर का है। कंसाइनी का काम क्या है, जो मटेरियल आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद आपने इनवॉइस जनरेट किया, इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप मटेरियल को भेजते हो, बराबर, तो उसको मटेरियल को रिसीव करना, ये किसका काम है, कंसाइनी का। जनरली स्टोर आप लोग बोलते हो, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सीआरसी, सीआरसी बोलते हैं ना, यदि जेएम के लैंग्वेज में बोलेंगे तो सीआरसी बोलते हैं। फुल फॉर्म कुछ कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस कुछ है इसको, सर्टिफिकेट है ना, तो यहाँ पे सीआरसी बनाना पड़ता है। ये काम किसका है, कंसाइनी का, मेटेरियल को रिसीव करने का काम किसका है, कंसाइनी का। और पेमेंट ऑथोरिटी का काम क्या है, बायर का काम क्या हो गया, डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट परचेज, एल वन कंपेयर और बीड, सब काम किसका हो गया, बायर। कुछ डाउट है इसमें, तो बायर में तीन आईडी बनाना ही पड़ेगा, ये बायर का। सबसे पहला जब बायर का अकाउंट बनाते हैं, है ना, जब बायर का हम लोग अकाउंट बनाते हैं, यहां से हम लोग बायर का अकाउंट बनाते हैं, अभी ये बायर का अकाउंट बना रहे हैं, तो बायर में यहाँ पे साइन अप करेंगे एज ए बायर, है ना, तो यहाँ पे बायर करेंगे, तो बायर करते वक्त देखो एक चीज, यहाँ पे क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन बायर अकाउंट, यहाँ पे जो अकाउंट बनता है वो एचओडी का होता है। एचओडी कौन होता है, एचओडी कौन होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बराबर। तो जनरली हम लोग एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट का लेते हैं, कोई भी एक डिपार्टमेंट का लेते हैं, जिला परिषद, जिला परिषद का लो, पंचायत समिति, पंचायत समिति का लो, पंचायत समिति। जनरली अपने को जो बायर का अकाउंट बनाना या उसमें हेल्प करने में पंचायत समिति में ही अपने को ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पंचायत समिति में पता नहीं होता है ना। तो पंचायत समिति का हेड कौन होता है, जनरली बीडीओ, बीडीओ, बराबर, रविंद्र सर ने बोला पंचायत समिति का हेड कौन होगा, वीडियो। तो यहाँ पे हेड को एचओडी का अकाउंट किसके नाम से बनेगा, वीडियो, बराबर। और बाय डिफॉल्ट ये कौन होगा, जो पंचायत समिति वीडियो होगा ये होगा एचओडी, है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी हम लोग को याद है, एचओडी ये होगा आपका एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और इसको यूजर का रोल क्या दिया जाएगा, कौन होगा, प्राइमरी यूजर, प्राइमरी यूजर। इसको राइट्स क्या होंगे,
ये बाय डिफॉल्ट पेमेंट अथॉरिटी नहीं, ये राइट किसको रहेगा? पेमेंट अथॉरिटी का। समझ में आया? हेड जो है उसको, वो कोई चीज परचेज नहीं कर सकता, सिर्फ आपका किसी को पेमेंट रिलीज कर सकता है। बोलो, इसमें कुछ डाउट्स है? अब क्लियर होगा, एक्टिविटी होगा, वो सिर्फ पेमेंट का ही देख सकता है, बाकी वो खरीदने स्टोर पर ही देखेगा, बाकी ये करने का फालतू के काम बिल्कुल। राइट राइट। और ये प्राइमरी यूजर होगा, है ना? अभी सेकेंडरी यूजर, तो बायर और कंसाइनी का जो यूजर बनेंगे वो लोग इसके नीचे लोग बनेंगे, है ना? तो ये लोग जो बनेंगे कंसाइनी बनेंगे, वो लोग बायर बनाएगा। ये जो बायर को रोल है, प्राइमरी यूजर को बाय डिफॉल्ट रोल है पेमेंट अथॉरिटी का, तो इनको बनाना पड़ेगा ना, बायर कंसाइनी पेमेंट अथॉरिटी वगैरह, ये रोल बनाएगा। तो ये लोग जो भी इसके अंदर जो भी अकाउंट बनेगा वो अकाउंट कौन होगा? सेकेंडरी यूजर। तो इसके अंदर अभी रोल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी कोई भी रोल्स ले लो, अभी मान लो पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति में पहला डिपार्टमेंट तैयार कर लेते हैं हम इसका, एक खुद का पंचायत समिति का भी खुद का एक डिपार्टमेंट होगा, पंचायत समिति एबीसी बोल के एक डिपार्टमेंट है पंचायत समिति। अब इसके अंदर ग्राम पंचायत आएंगे, है ना? तो ग्राम पंचायत क्या बोलते हैं वाड़ेकर सर? ग्राम पंचायत ले लेते हैं, समिति सर, ग्राम पंचायत समिति ग्राम पंचायत समिति, है ना? इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा, है ना? इस डिपार्टमेंट के अंदर ये क्या होगा? एक डिवीजन बनेगा। ऐसे और भी डिवीजन बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे कि नहीं? कितने हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं सर, जितने गांव होंगे सर का अलग अलग, जितने गांव होंगे उतना होगा। ये हो गया तालुका, ये तालुका हो गया, है ना? ये हो गया गांव। अभी यहाँ पे सब लोग ऐसे इतने इतने डिपार्टमेंट बनना चालू हो जाएगा, सभी डिवीजन बनेंगे। हम अभी फिलहाल तीन बनाते हैं, अभी यहाँ पे ये तीन लोग, तीन डिपार्टमेंट हम लोगों ने क्रिएट करना पड़ेगा अपने, ठीक है? हम लोग इसको तीन डिपार्टमेंट को क्रिएट करेंगे। अब इस तीन डिपार्टमेंट के अंदर भी रोल देना पड़ेगा, बायर कंसाइनी पेमेंट अथॉरिटी देना पड़ेगा ना इस डिपार्टमेंट को, तो कौन होगा? तो यहाँ पे अपने को तीन लोग देने पड़ेंगे, है ना? एक बायर होगा, सेम, एक कंसाइनी होगा और एक पेमेंट अथॉरिटी होगा। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में होगा, बराबर? अब यहाँ पे कौन होगा बताओ? अभी में हम जनरली किसको देंगे? यहाँ पे कौन होता है? सरपंच और ग्राम सेवक होता है ना। अभी होता है यहाँ पे दो लोग और देना है अथॉरिटी तीन लोगों, तो एज ए रूल अपने को तीन आईडी बनाना चाहिए था ना। तो है अभी पंचायत समिति में जनरली दो ही लोग होते हैं, तो बायर और ग्राम सेवक। तो इसीलिए जेम ने क्या किया है, आप बायर और कंसाइनी को चाहो तो मर्ज कर सकते हो, मतलब एक ही आदमी को बायर और कंसाइनी दोनों का रोल दे सकते हो, ठीक है? तो हम लोग बायर और, मान लो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सरपंच को दे देते हैं। सरपंच को क्या रोल दे दिया? बायर और कंसाइनी का, है ना? और पेमेंट अथॉरिटी का ग्राम सेवक। ऐसे हर जगह पे बना दो जितने भी है, और यदि आपके पास अलग अलग आदमी है तो बायर का अलग रोल दे दो, कंसाइनी का अलग किसी को दे दो, पेमेंट अथॉरिटी का रोल अलग दे दो। तो इनका अकाउंट कैसे बनेगा? सब एचओडी के आईडी से ही बनेगा। पहला एचओडी का अकाउंट होना चाहिए, एचओडी का, इनका अकाउंट होने के लिए एचओडी का आईडी पासवर्ड होना चाहिए,
क्लियर। हमने अभी सिर्फ डिपार्टमेंट का आपको स्ट्रक्चर समझाया, क्लियर हुआ किसी को? अभी आते हैं हम लोग मेन चीज पे, अकाउंट बनाने के। तो सबसे पहला अकाउंट बनाने के लिए, कभी भी हम लोग जब अकाउंट बनाएंगे, हमने अभी पंचायत समिति का समझाया, इस सब का अलग अलग होता है। तो अकाउंट यदि हमको बनाना है तो अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? सबसे पहला हमारा आता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? तो देखो, जेब में डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगता। पहला एचओडी का, एचओडी का जब हम लोग आईडी क्रिएट करेंगे तो क्या क्या लगेगा? एक जीओवी का आईडी का ईमेल आईडी, यहाँ पे जीमेल, याहू, रेडीप या दूसरा कोई मेल आईडी नहीं चलेगा। किसका मेल रहेगा? gov.in। यस, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बस इतना ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? आपका एचओडी का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एचओडी का अकाउंट बन जाएगा। चलो, फिर एचओडी का अकाउंट बन गया, क्लियर है या किसी को डाउट्स है अभी भी इसमें? एचओडी वाले अकाउंट से ही हम जो लास्ट में हमने प्रोसीजर किया था बिड वाला, वो कर सकते हैं तो 5 लाख वाला? एचओडी के अकाउंट, एचओडी को राइट्स नहीं, बिड निकालने का काम सब कुछ बायर का है। एचओडी का अकाउंट बन गया। अभी एचओडी के अकाउंट के लॉगिन होने के बाद हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे? डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, बराबर है ना? डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके नीचे बायर, कंसाइनी और पेमेंट अथॉरिटी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब उसके नीचे सरपंच और ग्राम सेवक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कौन बनाएगा? एचओडी बनाएगा। अभी तो ग्राम सेवक के अकाउंट के लिए क्या क्या लगेगा? सेम, एक जीओवी ईमेल आईडी प्लस आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। तो ये जीओवी आईडी कहां से मिलेगी? हाँ, अभी बताता हूँ। सेम यहीं पर प्रोसीजर होता है, इसके लिए भी कोई भी अकाउंट यहाँ पे बने सबके लिए सेम। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जीओबी का ईमेल आईडी मिलना इतना इजी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब एचओडी जो बनता है, वीडियो है ये, कभी भी देखो, याद रखो, क्लास वन ऑफिसर होता है हमेशा, और उनको गवर्नमेंट का ईमेल आईडी मिलता ही मिलता है, उनको जीओबी का ईमेल आईडी मिलता ही, उनको मिलता ही। अभी सरपंच को या ग्राम सेवक को कौन देगा? चलो ग्राम सेवक को मिल भी जाए, सरपंच को तो कभी इशू नहीं करेगा। सरपंच पंचायत समिति की आईडी होती है सर, पंचायत समिति का आईडी हो सकता है, हाँ, पर हाँ पंचायत समिति का आईडी बन सकता है, पर किसी के नाम से तो बनेगा? पंचायत समिति का आईडी किसके नाम से बनेगा? वो उसी पंचायत समिति के नाम से बनेगा। नहीं, 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 नाम ऐसा नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता। यहाँ पे जीमेल नहीं है ये, सर कृष्णा सर प्लीज आप म्यूट करो, आपके यहाँ से काफी नॉइज आ रही है, ठीक है? किसी के नाम से ही यहाँ पे ईमेल आईडी बनता है, हाँ, भले उसका नाम अलग रखो, पंचायत समिति जो भी रखना है रखो। तो ग्राम सेवक तो डिपार्टमेंट का आदमी है, उसका मिल जाएगा, सरपंच का नाम से तो कभी नहीं मिलेगा। तो जब नहीं बनेगा तो सिर्फ बायर लेके या पेमेंट अथॉरिटी लेके हम क्या करेंगे? तो जेम ने यहाँ पे एक आपको बताया, यदि आपके पास एचओडी का अकाउंट बन गया है तो एचओडी चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है जेम बायर ईमेल, जेम बायर आईडी के लिए। ये कौन रिक्वेस्ट करेगा? एचओडी। एचओडी के परमिशन से, जिनके नाम से जीओवी का ईमेल आईडी नहीं है, वो लोग जेम बायर का ईमेल आईडी क्रिएट करवा सकते हैं। ये एचओडी ही कर सकता है। जब उनके नाम से, यदि उनके पास जीओवी का ईमेल आईडी नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पे जेम बायर का ईमेल आईडी यूज करेंगे, जेम बायर का, ये चल जाएगा।
और फिर आधार कार्ड मोबाइल से वायर का आईडी जेम पे बनेगा सर, ये जेम पे बनेगा एचओडी के थ्रू से। और फिर अकाउंट हमारा बन जाएगा। ठीक है, अभी और एक चीज बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं। चलो, बहुत सारे लोगों को एक ख्वाहिश बहुत रहती है, मतलब एक ख्वाहिश है, पूरी नहीं होने वाली, खाली ख्वाहिश है, मुझे जीओवी का ईमेल आईडी मिल जाए। तो चलो हम आपको जीओवी का ईमेल आईडी निकालने का भी तरीका बता देते। उसके लिए आपको एक वेबसाइट है, फॉर्म मिलेगा नहीं आप, सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों को ही मिलेगा, सिर्फ तरीका देख लो। ई-फॉर्म्स वेबसाइट जिनके पास जीओवी का ईमेल आईडी नहीं है के लिए, ई-फॉर्म्स ये वेबसाइट है, यहां से आपको लॉगिन करना, लॉगिन विद ई-फॉर्म्स, यहां पे ईमेल आईडी डाल दो। चलो मेरा आईडी डाल देता हूं, आदित्य पंडित 0508@gmail.com। यस, मोबाइल नंबर 9518327077 कैप्चा RHS3R66 क्या हो गया, प्लीज इंटर करेक्ट कैप्चा, हमने गलत डाल दिया कुछ। क्या बोले सर, W स्मॉल है कैपिटल, पता ही नहीं चल रहा, ऑलरेडी हमारे इस नंबर से एक ईमेल आईडी ऑलरेडी बना है बोल रहा है ना, नहीं तो मुझे आगे भेज देता ये, और फिर ये मुझे एक फॉर्म दे देता, उस फॉर्म में क्या क्या भरना है, उस फॉर्म में क्या क्या लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ज्वाइनिंग लेटर या ट्रांसफर लेटर, ईपीएफ का स्टेटमेंट, ईपीएफ का स्टेटमेंट है ना, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हो गया, और एक लेटर हायर ऑथोरिटी से, आपके सीनियर से, या हायर ऑथोरिटी बोलो या आपके सीनियर से बोलो, सीनियर किनका, कौन से सीनियर से एक लेटर लगेगा, जिनके नाम से ऑलरेडी जीओवी का ईमेल आईडी है, उसमें उसका ईमेल आईडी मेंशन होना चाहिए, उनके पास से एक लेटर, इतना सब चीजें, और एक फोटो साइन वगैरह लगेगा, ये सब चीजें लगेगा, ये सब वेरीफाई करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, जब उनको लगेगा कि सच में ये सब सही है, और ये सब वेरीफाई करने के लिए 2 मिनट लगेगा, ईपीएफ का नंबर डाला कि लगेज पता चल जाएगा आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो नहीं कर रहे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और सब वेरीफाई होने के बाद जनरली 15 दिन को टाइम लगता है, इसको पूरे प्रोसेसर को फ्लो होने में 15 डेज का टाइम, 15 दिन में फिर आपको एक जीओवी का ईमेल आईडी मिल सकता है, और एक आदमी को एक ही ईमेल आईडी मिलता है, 2 ईमेल आईडी नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये हो गया गवर्नमेंट का। चलो फिर हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स के ऊपर, आईडी बनाने का, हम लोग बनाएंगे एचओडी का आईडी, तो एचओडी का आईडी तो पूरा प्रोसेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा बेसिक प्रोसेस के साथ कर देता हूँ, पर एक इसका वीडियोस है वो वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगा बाकी का। तो यहाँ पे पहला किसका अकाउंट बनेगा, एचओडी का, यहाँ पे सरपंच ग्राम सेवक वगैरह का नहीं बनेगा, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन देखो यहाँ पर भी बता दिया है, गवर्नमेंट का एक ईमेल आईडी लगेगा डेजिग्नेशन बेस्ड, आधार कार्ड और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, इतना ही रिक्वायरमेंट है। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन
एक्सेप्ट हो गया आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का मोबाइल नंबर, जो लिंक है मोबाइल नंबर डाल दो, एक्सेप्ट करो और वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करने के बाद आपको डिपार्टमेंट का नाम पूछेगा, जो आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। देखो उसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है अवेलेबल। हमारा मेरा यूट्यूब चैनल पता है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं पता? भगत टेक्नो आईटी सिंबल के है, गेम बायर रजिस्ट्रेशन। मैं उधर से ही तो सर मैंने आपको कॉल किया था, गेम बायर रजिस्ट्रेशन। शायद हमारा वीडियो पहला मिले सब, मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन में। देखो आपको हमारा पहला है ना, जेम बायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक वीडियो मैंने बनाया था, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन था है ना, ये जेम 2.0 बनाया था, अभी 3.0 चल रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आगे का थोड़ा सा पार करता हूँ, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक कर देंगे, जैसे कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने, वेरीफाई करके फिर हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा नाम और यहाँ पे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिपार्टमेंट सब आपको यहाँ पे चूज करना है, चूज करेंगे और फिर आगे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा नीचे, वो ईमेल आईडी जैसे मैंने चूज किया, देखो चलो और थोड़ा बार कर दूं, जैसे स्टेट में हम लोगों ने, एक मिनट पूरा डिटेल विद द स्टेट डिस्टेंस सब, हाँ सब आपको देना पड़ेगा, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। ये देखो डाल दिया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब, अभी ऑफिस का जोन क्या नाम है, कैसे कर सकते हैं, नहीं है तो किसका नाम नहीं है तो इसके नीचे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे क्रिएट करने से, यदि नाम जनरली मैक्सिमम सभी नाम लोगों ने डाल दिया है, नहीं है तो यहाँ पे आपको नाम क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, क्रिएट करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे, और फिर ऑफिस जोन, अभी आपका ऑफिस का प्रॉपर नाम डालो, क्या नाम है आपका ऑफिस का, वो प्रॉपर पंचायत समिति जिला परिषद जो डालना है वो डालेंगे। ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे जेम का ही ईमेल आईडी लगेगा, और वेरीफाई ईमेल आईडी, ये सॉरी जेम का बोला, जीओबी का ईमेल आईडी लगेगा, और इसको सेंड ओटीपी से सेंड कर दो, सेंड कर देंगे तो वेरीफाई ईमेल पे ओटीपी जाएगा और ईमेल लग गया, दूसरा कोई ओटीपी ईमेल आईडी नहीं चलेगा, वेरीफाई कर देंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इतना ही प्रोसेस होगा आपका अकाउंट क्रिएट करना। एक बार बायर का आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो फिर सॉरी एचओडी का, तो आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। हम लोग लॉग इन करते हैं, इसका पासवर्ड आईडी पासवर्ड पता है लेकिन मुझे वही लिखता, क्या है इसमें, अभी एचओडी से हम लोग डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद जेम ईमेल आईडी के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं वो भी देखेंगे, और पूरा का पूरा प्रोसीजर करके देखेंगे सेकेंडरी यूजर बनाने तक का, मतलब जितना पॉसिबल होगा आपको दिखाने का उतना तक। आईडी तो नहीं है मिल रहा है, पासवर्ड नहीं मिल रहा है मुझे।